कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सह परिवार कुशल मंगल होंगे। देखो बेटा, मैंने आपको हिंदी विषय में 8 पाठ करवा दिए हैं। अपने अच्छे से उनको याद भी कर लिया होगा सितंबर की तैयारी के लिए, सितंबर के एग्जाम के लिए। अब मैं आज आपको हिंदी विषय का पाठ 9 करवाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है एक और फूलों की घाटी। एक और फूलों की घाटी, इसमें पाठ में बताया गया है कि फूल इस प्रकृति की अद्भुत देन है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में, रास्ते में, पिथौरागढ़ में विभिन्न रंगों के फूलों की घाटी है। लेखक ने उस घाटी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। बड़े अच्छे ढंग से चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, ध्यान दें। एक और फूलों की घाटी, पाठ का नाम है एक और फूलों की घाटी। मानव सदा ही फूलों के प्रति आकर्षित रहा है, हो भी क्यों न, इनके संग मनुष्य अपने सब दुख दर्द भूल कर इनमें सुख दुख दर्द भूल कर इनमें रम जो जाता है। उत्तराखंड में अब तक पर्यटक केवल चमोली स्थित फूलों की घाटी के बारे में जानते थे, जिसे विश्व विरासत का दर्जा भी मिला हुआ है। अब पिथौरागढ़ की सियाले घाटी में भी हजारों तरह के फूल मिले हैं। यह घाटी कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। इस घाटी के बारे में बताया बच्चों कि मानव सदा ही फूलों के प्रति आकर्षित रहा है, हो भी क्यों न, इनके संग मनुष्य अपने सब दुख दर्द भूल कर इनमें रम जो जाता है। उत्तराखंड में अब तक पर्यटक केवल चमोली स्थित फूलों की घाटी के बारे में जानते थे, जिसे विश्व विरासत का दर्जा भी मिला हुआ है। अब पिथौरागढ़ की सियाले घाटी में भी हजारों तरह के फूल मिले हैं। यह घाटी कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मानसरोवर यात्रा के दौरान दिल्ली से अल्मोड़ा, धारचूला, मांगटी, गाला, मालपा व लमारी होते हुए बुद्धि पहुंचते हैं। बुद्धि से गुंजी का सफर शुरू होता है। कभी गर्मी लगती है तो कभी ठंड। रास्ते के पहले भाग में खड़ी चढ़ाई है। पहले कुछ यात्रा पैदल तय की तो उसके बाद की कुछ यात्रा घोड़े पर सवार होकर की और कुछ पैदल। इतनी खड़ी चढ़ाई है कि घोड़े पसीना पसीना हो जाते हैं। वैसे हमें क्या हक है कि हम निरीह पशुओं पर इतना अत्याचार करें, वो भी धार्मिक यात्राओं के दौरान।
पशुओं से काम लेने की भी एक सीमा होनी चाहिए। कल मैंने घोड़े की आंखों में जबरदस्त गुस्सा देखा था, लगता था विद्रोह करने ही वाला है। मैं सहम सा गया था, मैंने साथ चल रहे घोड़े। देखो बेटा, इसमें एक शब्द आया निरीह है, निरीह है शब्द आया है, निरीह है शब्द का अर्थ होता है बेचारे, और सहम का अर्थ होता है सहम सा गया, डर सा गया। अब हम इसका अगला पेज पढ़ेंगे, कंप्लीट हो गया है। अगला पेज देखें बेटा। मैं सहम सा गया था, मैंने साथ चल रहे घोड़े के। आगे देखो, स्वामी परदेसी से घोड़े की आंखों में व्याप्त गुस्से का जिक्र किया। परदेसी ने बतलाया कि साथ वाले घोड़े आगे चले गए हैं और यह अकेला रह गया है। इसी से गुस्से में है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा था कि उसका गुस्सा मुझ पर ही भी था। खैर, चलते चलते सियालेख पहुंच जाते हैं। सियालेख पहुंचकर वहां पूरी छोले खाए और चाय पी। सियालेख के बाद रास्ता कुछ ठीक है, लेकिन चढ़ाई उतराई का क्रम समाप्त हो गया। ऐसी कुछ बात नहीं, लेकिन कुछ रास्ता अपेक्षाकृत कम ऊंचा नीचा था। यहाँ के लोगों के लिए तो ऐसा रास्ता समतल मैदान जैसा ही समझो। इसके बाद फूलों की घाटी आती है। सियालेख और गवयांग यारंग के बीच स्थित है यह फूलों की घाटी। यह वह फूलों की घाटी नहीं जो पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और जो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में बद्रीनाथ के पास पुष्पावती नदी के समीप राज्य के चमोली जिले में पड़ती है। यह फूलों की घाटी उत्तराखंड से होकर गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में पड़ती है, जो राज्य के कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित फूलों की घाटी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जबकि कुमाऊं मंडल में स्थित फूलों की घाटी एक ऐसा स्वतंत्र पर्यटन स्थल नहीं है जहां पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं, और इसका कारण है मार्ग का। अब देखें फिर से एक बार। मैंने साथ चल रहे घोड़े के स्वामी परदेसी से घोड़े की आंखों में व्याप्त गुस्से का जिक्र किया। परदेसी ने बतलाया कि साथ वाले घोड़े आगे चले गए हैं और ये अकेला रह गया है। इसी से गुस्से में है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा था कि उसका गुस्सा मुझ पर भी था। खैर, चलते चलते सियालेख पहुंच जाते हैं। सियालेख पहुंचकर वहां पूरी छोले खाए, चाय पी। सियालेख के बाद रास्ता कुछ ठीक है, लेकिन चढ़ाई उतराई का क्रम समाप्त हो गया। ऐसी कुछ बात नहीं, लेकिन कुछ रास्ता अपेक्षाकृत कम ऊंचा नीचा था। यहाँ के लोगों के लिए तो ऐसा रास्ता समतल मैदान ही जैसा ही समझो। इसके बाद फूलों की घाटी आती है। सियालेख और गबरियांग बीच स्थित है यह फूलों की घाटी। यह फूलों की घाटी नहीं जो पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
जो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में बद्रीनाथ के पास उस पार्वती नदी के समीप राज्य के चमोली जिले में पड़ती है। यह फूलों की घाटी जो है कहाँ है, ये पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के बद्रीनाथ के पास पुष्पावती नदी के राज्य के चमोली जिलों में पड़ती है, जिले में पड़ती है। ये फूलों की घाटी उत्तराखंड से होकर गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में पड़ती है, जो राज्य के कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित फूलों की घाटी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जबकि कुमाऊं मंडल में स्थित फूलों की घाटी एक ऐसा स्वतंत्र पर्यटन स्थल रही है जहाँ पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं, और इसका कारण है मार्ग का अति दुर्गम होना। अब हम तीसरा पेज पढ़ेंगे बेटा, दो पेज हमने पढ़ लिए हैं, अब हम तीसरा पेज इसका पढ़ते हैं। देखिए, इस मार्ग का अति दुर्गम होना। गढ़वाल मंडल में स्थित फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए गोविंद घाट से 16 किलोमीटर पैदल मार्ग है, जबकि कुमाऊं मंडल में स्थित इस दुर्गम फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए 3 दिन की ट्रैकिंग अपेक्षित है। सियालेख से चलने के कुछ देर बाद फूलों की घाटी आती है। अगस्त सितंबर के महीनों में लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र में फैली सियालेख घाटी हजारों प्रजातियों के मनमोहक फूलों से महक उठती है। चूंकि यहाँ सामान्य पर्यटनों का आना असंभव है, अतः केवल कैलाश मानसरोवर यात्री ही अपनी यात्रा के दौरान इस घाटी के अद्वितीय सौंदर्य का आनंद उठा सके। पहाड़ों की निचली ढलानों पर तथा घाटी से गुजरने वाले रास्तों के आसपास विभिन्न प्रकार के असंख्य नन्हे नन्हे फूल दिखलाई पड़ते हैं। रंग बिरंगी चादर सी बिछी दिखलाई पड़ती हैं। विविध आकार और वर्ण के फूल चारों ओर दृष्टि गोचर होते हैं। ऐसे ऐसे रंगों के फूल की पहले कभी भी कहीं देखी ही नहीं। नीले पीले सफेद बैंगनी और न जाने कितने रंगों के खूबसूरत फूल। कुछ फूलों का रंग तो ऐसा पारदर्शी नीला है, लगता है मानो अभी अभी नील मिले पानी में डुबो कर निकाले। सभी रंगों के फूलों में पर्याप्त विविधता है, लेकिन नीले रंग के फूलों में इतनी अधिक विविधता है कि रंगों की सूची बनाना भी संभव नहीं। इनमें से अनेक प्रजातियां औषधीय गुणों से भी युक्त हैं। फूल तो फूल, उनके पौधों की पत्तियां भी विविधता व विशिष्टता लिए हुए हैं। एक बात जरूर है और वह यह कि फूल अपेक्षाकृत छोटे आकार के हैं। छोटे छोटे आकार के असंख्य फूल आज हम जिन बड़े आकार प्रकार के फूलों को अपने घरों व गमलों में लगाते हैं, यह उनसे भिन्न नहीं है। उनके बोनसाई रूप नजर आते हैं। ऐसा लगता है इन्हीं नन्हे फूलों से मैदानी भागों में उगाए नजर आने वाले बड़े बड़े फूल विकसित किए गए हैं। बुद्धि कैंप में भी डेहलिया व होली हॉक्स वगैरह कई किस्म के फूलों के पौधे लगे हुए थे, लेकिन ये पूर्ण विकसित और बड़े आकार के थे। रास्ते में देखा कि लोगों के घरों के पास भी फूल उगा रखे हैं। विशेष रूप से सूरजमुखी व डहलिया आदि फूलों के पेड़ कहीं भी दिखलाई नहीं पड़े। हो सकता है इस दिशा में प्रयास ही नहीं किए गए। लगता है यहाँ की जलवायु फूलों के ज्यादा अनुकूल है, लेकिन बीज कहाँ से आए? यदि यहाँ पर्याप्त मात्रा में फूलों के बीज उपलब्ध हो जाए तो पूरा क्षेत्र ही फूलों की घाटी में बदल जाए। कई झाड़ियों भी रास्ते के किनारे किनारे उगी हुई थी, जिनमें झाड़ी के पेड़ जैसे फल लगे थे। कुछ झाड़ियों
देखिए फिर से इस पार्ट इस पहले इस पेज को पढ़ें। मार्ग का अति दुर्गम होना, गढ़वाल मंडल में स्थित फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए गोविंद घाट से 16 किलोमीटर पैदल मार्ग है, जबकि कुमाऊं मंडल में स्थित इस दुर्गम फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए 3 दिन की ट्रैकिंग अपेक्षित है। सियालेख से चलने के कुछ देर बाद फूलों की घाटी आती है। अगस्त सितंबर के महीनों में लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र में फैली सियालेख घाटी हजारों प्रजातियों के मनमोहक फूलों से महक उठती है। चूंकि यहाँ सामान्य पर्यटकों का आना जाना आना असंभव है, सामान्य पर्यटक टूरिस्ट नहीं आ सकते, अतः केवल कैलाश मानसरोवर यात्री ही अपनी यात्रा के दौरान इस घाटी के अद्वितीय सौंदर्य का आनंद उठा सकते हैं। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा यात्री होते हैं, वही इस यात्रा के दौरान इस घाटी का सौंदर्य का आनंद उठा सकते हैं। पहाड़ों के निचली ढलानों पर तथा तो घाटी से गुजरने वाले रास्ते के आसपास विभिन्न प्रकार के असंख्य नन्हे मन्ने नन्हे नन्हे फूल दिखलाई पड़ते हैं। रंग बिरंगी चादर से बिछी दिखलाई पड़ती है। विविध आकार और वर्ण के फूल चारों दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे ऐसे रंगों के फूल की पहले कभी भी कहीं देखे ही नहीं। नीले, पीले, सफेद, बैंगनी और जाने कितने रंगों के खूबसूरत फूल। कुछ फूलों का रंग तो ऐसा पारदर्शी नीला है कि लगते हैं मानो कब अभी अभी नीले मिले नीले मिले पानी में डुबोकर निकाले हों। सभी रंगों के फूलों में पर्याप्त विविधता है, लेकिन नीले रंग के फूलों में इतनी अधिक विविधता है कि रंगों की सूची बनाना भी संभव नहीं। इनमें से अनेक प्रजातियां औषधीय गुणों से भी युक्त हैं। औषधीय औषधीय होती है देसी दवाइयां जो पहाड़ों में मिलती हैं। फूल तो फूल, उनके पौधों की पत्तियां भी विविधता विशिष्टता लिए हुए हैं। एक बात जरूर है और वह यह है कि फूल अपेक्षाकृत छोटे आकार के छोटे छोटे आकार के असंख्य फूल। आज हम जिन बड़े आकार प्रकार के फूलों को अपने घरों गमलों में लगाते हैं, ये उनसे भिन्न नहीं है। उनके बोनसाई रूप नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें नन्हे नन्हे फूलों से मैदानी भागों में उगाए जाने वाले बड़े बड़े फूल विकसित किए गए। बुद्धि कैंप में भी डहेलिया व होली हॉक्स वन कई किस्म के फूलों के पौधे लगे थे, लेकिन पूर्ण विकसित और बड़े आकार के थे। रास्ते में देखा कि लोगों ने घरों के पास फूल उगा रखे हैं, विशेष रूप से सूरजमुखी और डहेलिया आदि। फलों के पेड़ कहीं भी दिखलाई नहीं पड़े। हो सकता है इस दिशा में प्रयास इन्हें किए गए हैं। लगता है यहाँ की जलवायु फूलों की ज्यादा अनुकूल है, लेकिन बीज कहाँ से आए? यदि यहाँ पर्याप्त मात्रा में फूलों के बीज उपलब्ध हो जाए तो पूरा क्षेत्र ही फूलों की घाटी में बदल जाए। कई झाड़ियां भी रास्ते के किनारे किनारे उगी हुई थी, जिनमें झाड़ी के बेल जैसे फल लगे थे। कुछ झाड़ियों पर नेक्स्ट पेज देखेंगे, लास्ट कुछ झाड़ियों पर एकदम लाल रंग के फल लगे थे, तो कुछ पर गहरे नारंगी रंग के। झाड़ियां फलों से लदी पड़ी थी। फूलों की घाटी के अलावा भी पूरी यात्रा मार्ग में अनेक प्रकार के जंगली फूलों के पौधे देखे जा सकते हैं, जो कम आकर्षक नहीं। फूलों की घाटी और अन्य पेड़ पौधे फूल व वनस्पतियां यात्रा मार्ग को अस्मरणीय बना देती हैं। कुछ झाड़ियों पर फिर देखें, एकदम लाल रंग के फल लगे थे, तो कुछ पर गहरे नारंगी रंग के। झाड़ियां फलों से लदी पड़ी थी। फूलों की घाटी के अलावा भी पूरी यात्रा मार्ग में अनेक प्रकार के जंगली फूलों के पौधे देखे जा सकते हैं, जो कम आकर्षक नहीं। फूलों की घाटी और अन्य पेड़ पौधे फूल वनस्पतियां यात्रा मार्ग को अविस्मरणीय बना देती हैं। ये था बेटा जो मैंने अभी आपको करवाया है बेटा।
ये जो है बड़े अच्छे ढंग से आपको इनको याद करना है, लेसन को पढ़ना है। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। अब मैं आपसे पीछे जो पिछला लेसन हमारा जो था पार्ट 8,